कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम बात करेंगे कि ये हमारी जो संडे की जो वीडियो श्रृंखला हम जारी करते हैं उसका ये दूसरा वीडियो है और हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स 2024 को लेकर के तैयारी कैसे करनी है। अभी तक आपने अगर शुरुआत कर दी है तब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी जिनकी है हम उनके लिए भी बात करेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे, और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है या अभी कुछ ही दिन हुए तैयारी करी है तो उनके लिए भी बात करेंगे कि उनको किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती है या और भी अगर आपकी किसी प्रकार की समस्या है तो हम कम्प्लीटली इसमें बात करने वाले हैं, तो मोस्ट वेलकम बच्चों। और हमने देखो पिछला जो वीडियो जारी किया था ना लास्ट संडे को, उसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई थी और तब से लेकर के आज तक 7 दिन हो चुके हैं। अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो किया होगा तो निश्चित रूप से आपकी जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी होगी, और अगर बच्चों आपने नहीं किया ना और अगर आप सोचते रह गए तो सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। ध्यान रखना 7 दिन बीत चुके हैं उस चीज को, 7 दिन बीत चुके हैं उस बात को, और अगर 7 दिनों में आपने शुरुआत नहीं करी है तो आज कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की शुरुआत हमने या तो आज से बहुत पहले कर दी होती उसका परिणाम आज अपन को मिल रहा होता। लेकिन बच्चों अपने अपने एग्जाम से रिलेटेड अगर चीज़ों की बात करें तो आपको जो चीज़ें 3 महीने 4 महीने पहले शुरू कर देनी थी वो अगर आपने अगर कर दी होती तो आज आपका कंप्लीट कोर्स हो चुका होता और आपको अब पता चलता कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। लेकिन अगर आपने मान लो नहीं कर पाए हैं तैयारी, अगर आपने 4 महीने पहले 2 महीने पहले अगर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो आज से ही कर दीजिए, ठीक है? तो दोनों जो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है उनको मैं मोटिवेट करूँगा किस तरीके से उन्हें अपने आप का कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, किस तरीके से उन्हें अपने आप को जो है कंटिन्यू करना है और ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। बच्चों हमारे साथ कई ऐसे बच्चे हमारे कांटेक्ट में रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, एग्जाम में बहुत बढ़िया लिख सकते थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ा सा पेपर गड़बड़ाया, उसके बाद में तो ऐसा उनका हुआ माइंड खराब हुआ, ऐसा माइंड खराब हुआ बच्चों कि वो पूरी तरह से बिल्कुल जो है वो काफी नीचे आ चुके थे। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक आधा पेपर बिगड़ जाता है तो एक आधा पेपर अगर बिगड़ गया ना तो आपको उससे विचलित नहीं होना है और आपको अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करनी है। तो देखो बात करते हैं कि जिन बच्चों की अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या फिर आपने थोड़ी बहुत अगर तैयारी करी है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल टाइम पे उसको आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 90% नंबर क्रॉस करना चाहते हैं या फिर आप मान लीजिए कि 90% या फिर आपको 95% 96% जितने भी परसेंटेज आपको नंबर बच्चों प्राप्त करने हैं उसके लिए आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग के तहत आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ हमारा प्लानिंग कैसे करें कि किस तरीके से जो है वो हम अपनी इस प्लानिंग को जो है हाई लेवल तक ले जा सकें। तो देखो प्लानिंग जब करनी होती है ना आपको तो उसमें क्या करना है कि अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपना नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में एग्जाम है, हम बोर्ड वार्षिक परीक्षा की बात करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली तो इसको लेवल पर ही होता है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, हालांकि 100% कोर्स आएगा, आपको बिल्कुल सीरियस होकर के तैयारी करनी है, लेकिन हम मोटा मोटा शेड्यूल रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे पास 4 महीने बचे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, मार्च के हम कुछ दिन छोड़ सकते हैं क्योंकि मार्च में एग्जाम आपका शुरू होगा 8, 10, 15 तारीख आसपास, तो और कुछ अभी इस महीने के जो दिन बचे हैं 15 तो इनको छोड़े तो हमारे पास बचते हैं बच्चों 4 महीने, और ये जो 4 महीने हैं ये 4 महीने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने हैं। अब देखो 4 महीने जो बच्चों हैं टोटल 4 महीने यानी 120 दिन, ठीक है 120 दिन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना, हालांकि हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बात करी थी कि टाइम टेबल बनाना है, कैसे बनाना है टाइम टेबल को, कैसे शेड्यूल करना है, कितने घंटे आपको नया पढ़ना है, कितने घंटे आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी चीज होती है और उसमें भी आपको आधा घंटा तो मैंने कहा था रोज लिखना पड़ेगा, लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको लिखनी पड़ती है सारी चीजें, और अगर आपने नहीं लिखा अभ्यास अगर अभी नहीं किया तो एग्जाम में बहुत परेशानी होती है। उसके अलावा हमने टाइम मैनेजमेंट की भी बात करी थी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलता है, उसको आपको कैसे मैनेज करना है उस पर मॉडल पेपर्स का अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा, हमने मॉडल पेपर्स की सीरीज भी जारी करी है तो वो भी आपको लगातार मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी और ज्यादा हम उसमें वीडियोस अपलोड करेंगे ज्यादा।
तो आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत उसको गंभीरता से जो है वो आपको उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा। और ये टाइम मैनेजमेंट जो है इसको आप ढंग से अगर आपने इसका एग्जीक्यूट कर लिया तो निश्चित रूप से आप पूरे मसे पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कई बार अच्छी तैयारी होने के बाद भी कहीं अगर सवाल छूट गया आपके तो फिर समस्या हो जाएगी बच्चों। तो अब देखो हम बात करते हैं कि हमारे पास है 4 महीने, और 4 महीने जो है ना, 4 महीने का जो टाइम है उसमें 120 दिन हो गए। अब आपका क्या करना, पहले तो आप अपने पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाइज, ऐसे नहीं कंप्लीट सारा नहीं, सब्जेक्ट वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड करिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी सब्जेक्ट में मान लो 18 टॉपिक है, है ना, 18 चैप्टर्स हैं आपके, 18 टॉपिक्स हैं, तो 18 टॉपिक्स आपको 4 महीने के हिसाब से डिवाइड करना है या 120 दिन के हिसाब से आपको डिवाइड करना है। तो अब आप देखिए 4 का भाग दीजिए यहाँ पे 4.5, मतलब आपको तकरीबन है ना एक महीने में आपको 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है, एक महीने में आपको 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले तो आप अपने टॉपिक को, अपने पूरे सिलेबस को आपने मासिक डिवाइड कर लिया। अब एक महीने में अगर 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो आपको एक सप्ताह में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, साप्ताहिक टाइम टेबल बनाइए फिर, है ना, पूरा पहले तो पूरा बनाइए 4 महीने का, फिर 1 महीने का, और उससे छोटा करिए फिर 1 सप्ताह का। अगर आप 1 सप्ताह में 1 टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके 4 सप्ताह में 4 टॉपिक पूरे हो गए, यानी 1 महीने के आपके पूरे हो गए। अब 1 सप्ताह में 1 वीक में अगर आपको 1 टॉपिक पढ़ते हो तो आपका कोर्स तो पूरा हो जाएगा, लेकिन खाली कोर्स पूरा करने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका रिविजन भी करना पड़ेगा। हमें टाइम पर कोर्स पूरा करके हमें उसका रिविजन करना है, तो आप इसको और समराइज कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे चीज़ें, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सब्जेक्ट वाइज अगर डिवाइड करना है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल साइंस का अपना जो कोर्स है उसमें टोटली आपके 15 टॉपिक्स हैं, है ना, 15 आपके टॉपिक्स हैं बच्चों। तो ये जो 15 जो टॉपिक्स हैं, इन 15 टॉपिक्स को आप 4 महीने के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जैसे मान लो हिस्ट्री में 12 टॉपिक है आपके, हिंदी कंपलसरी में 18 टॉपिक है, 18 है प्लस व्याकरण और वो काव्यांश, वो सारी चीज़ें, उनको भी अगर डिवाइड कर लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बच्चों करनी है तैयारी। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं